ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਬੰਟ ਆਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਭੰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਪੱਗ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी मेरा कैरेक्टर सोना का बहुत अभी कम दिखाया गया है ट्रेलर में टीज़र में और गाना एक आया है फितूर तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना रिवील नहीं किया है बट बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है बहुत ही खूबसूरत है उसकी भी एक जर्नी है एक एवोल्यूशन है अपना फिल्म में किस तरह वो जो रणबीर का कैरेक्टर है बल्ली उसके साथ उसकी ताकत बनती है कमज़ोरी बनती है किस तरह के यू नो उतार चढ़ाव देखती है वो किस तरह आपने ग्लैमरस रूप देखा है उसका वो डी ग्लैम भी होती है And after Sanju, मतलब Sanju के बाद में this is the very first time Sanjay Dutt sir and you are working together. So it's Sanju against Sanju और या आपको दोनों को कुछ आपस में सीखने को मिला एक दूसरे से during the shoot? मैं तो बचपन से सीख रहा हूँ इनसे हर मोड़ We all are learning. ज़िंदगी के हर मोड़ पे. But I think इस फिल्म के दौरान मुझे I got to experience Sanju sir as an actor कि वो कैसे काम करते हैं उनका approach क्या है and उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी पहली पिक्चर आई थी 1981 तो उसे प्रमोशन की लोड़ ही नहीं पैंदी सी उन थोड़े जहा मैनू स्यापा लगता है लेकिन करना पड़ेगा नहीं जी बिल्कुल करूँगा ऐसे नहीं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ वो भी करूँगा लेकिन जैसे मैंने कहा था ये मेरा एक्टर एज एन एक्टर इट्स माई ड्यूटी टू माई ऑडियंस कि मैं यू नो अपने आप को बदलते जाऊँ उनको कुछ नया दूँ और उनको सरप्राइज करते जाऊँ पंजाब एक इस तरह का स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है यार ये मेरा प्यार बहुत है पंजाब नाल ते खड़ोले ते मक्की दी रोटी ते सरों दा साग ते उदे उते मतलब कि सफेद मक्खन आया है सत श्री अकाल जी सारा तुम देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी तो मैं गैरी ढिल्लों अच्छ आप गल कर लगे शमशेरा मूवी की जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है तो सारे ने बहुत सारा प्यार दिता है अज शमशेरा की टीम साढ़े नाल मौजूद होने वाली है चंडीगढ़ अलांटे आप गलबात करांगे और फिल्म के बारे जानांगे कि फिल्म किवें दी है और की स्टोरी है और किदां दी फिल्म होएगी 22 ये फिल्म रिलीज़ हो जानी है और साढ़े नाल जी रणबीर कपूर और संजय दत्त वाणी कपूर और करण साढ़े नाल मौजूद होणगे आओ अपना गलबात करते हैं जानते हैं फिल्म के बारे Everyone, coming here, sir. It's our honor to have you here, and it's my honor to host this event for you guys. And congratulations for Shamshira once again, which is releasing on 22nd. So, sir, what's the reason behind this Shamshira? What was the thought? क्या thought था इसके पीछे? Film का idea आया था story से, और हमने story develop की वो screenplay. And eventually, Ekta and me wrote the screenplay together. Piyush Mishra came on boards for the dialogues, and the title came from Ekta, from her mind. But yeah, that's the writing journey of Shamshira. So Shamshira is releasing on 22nd, which is just 2 days away, right? So how excited do you guys are actually about this? Firstly, good afternoon, everyone. Thank you so much for being here. Sat Sri Akal. बहुत excited है, बहुत nervous है. 4 साल बाद मेरी तो फिल्म आ रही है पिछली बार मेरी फिल्म आई थी वो संजू सर के ऊपर थी एंड नाउ आई एम एक्टिंग ऑपोजिट हिम बट वी आर वेरी एक्साइटेड इट्स अ बिग स्क्रीन एडवेंचर इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सट्रावेगेंजा सो आई होप दैट द ऑडियंस गिव्स इट अ चांस एंड सीज इट ऑन 22nd ऑफ जुलाई दैट्स रियली ग्रेट एंड आफ्टर संजू मतलब संजू के बाद में दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम संजय दत्त सर एंड यू आर वर्किंग टुगेदर सो इट्स संजू अगेंस्ट संजू और या आपको दोनों को कुछ आपस में सीखने को मिला एक दूसरे से ड्यूरिंग द शूट मैं तो बचपन से सीख रहा हूँ इनसे हर मोड़ वी ऑल आर लर्निंग जिंदगी के हर मोड़ पे बट आई थिंक इस फिल्म के दौरान मुझे आई गॉट टू एक्सपीरियंस संजू सर एज एन एक्टर कि वो कैसे काम करते हैं उनका अप्रोच क्या है एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जैसे इस किस्म की फिल्म में जो कन्विक्शन की ज़रूरत होती है वो उनमें कूट कूट के भरी है
वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने काम करने के साथ, जो भी उनके कोलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, क्रू है, बहुत प्यार से काम करते हैं, मस्ती खोर भी बहुत है, उनको ये पसंद है कि एक फन सा माहौल हो सेट पे, तो अच्छा काम होता है. सो आई थिंक दीज आर रियली गुड लर्निंग्स फॉर एक्टर्स लाइक वानी एंड मी. तो संजय दत्त सर, जब रणबीर ने संजू की थी लास्ट टाइम, आपकी बायोपिक थी, आपकी स्टोरी थी, सो उस टाइम से लेकर अब तक रणबीर आपको अच्छे से फॉलो करते हैं, इवन बचपन से एडमायर करते हैं, तो आपको ड्यूरिंग द शूट या अगर रणबीर के बारे में कुछ एक फेवरेट चीज हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में, वो क्या है? फेवरेट क्या? रणबीर जी के बारे में सबसे फेवरेट चीज, क्योंकि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं बचपन से, एंड ही प्लेड संजू राइट. कोई एक चीज नहीं बोल सकता हूँ, इसके बालों से लेके इसके पैरों के नाखून तक सब फेवरेट है मेरे लिए. That's adorable. And even we all love Ranbir and everyone over here. और वानी को तो सभी लोग obviously इतना पसंद करते हैं, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो आपको admire करती हैं, follow करती हैं. So on screen यहाँ पर शमशेरा की बात की जाए तो on screen first time you and Ranbir are working together for the very first time and everyone is loving your chemistry. So आपका during the शमशेरा shoot कैसा आपका experience था Ranbir के साथ में? I think Ranbir and I have more or less same energy levels. I think मेरे थोड़े ज़्यादा होंगे, नहीं Ranbir? काफी ज़्यादा. But just the fact that he's so easy to work with, yeah. There's comfort, there's absolutely comfort, there's no ego, there's no baggage that he comes with, you know, of being of a certain caliber and of a certain stature. So for people like me who are almost new, like, you know, I've only done a couple of films before, and it just feels more convenient for me to kind of open up and give it my all and give it my best. And acting is also all about reaction. Yeah? So if you have somebody who's who makes you feel at ease, it's even more. Sachikar Sajjah sir, this is Sahil from Sky News. Are you talking Punjabi ji? Why are you talking Punjabi? I think so. Yes, I'm talking Punjabi. So, first question, Sanjay ji, is that you have written a song in Punjab. The singer has written a song in Punjab. Today, it's not a song in the world. It's not a song in the world. So, उस चीज में कहता देते क्योंकि संजय दत्त नु कल्ली बॉलीवुड ही नहीं या भारत दे नहीं पंजाब दे यूथ भी बहुत ज्यादा फॉलो कर ले है. नहीं मैं बहुत लकी बंदा आ के पहले तो मैं पंजाबी हां, दूसरी गल मैं बड़ी पढ़ाई हुई है सनावर ते ते चंडीगढ़ ते नेड़ी है ते चंडीगढ़ भी मेरा शहर है ते मैं वही कहना चाहना कि इतना प्यार मिला है यू नो ते मैं लकी बंदा है. And I love everybody. वैसे तो आड़ी जादू ही जब यार को expect कर रहे हैं इसलिए बैग लेते हैं. वो आ जाओ यार कुछ जब भी आ जाओ. मैं आ ही जाना जब. आ जाओ. आ गया. तुम बता जो ना कि पंजाब के भी बहुत छोटे fan हैं और पंजाब को सारी तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं. तो मैं जानना चाहूँ ना कि थोड़ा पंजाब के नाल यार तुझे समा बताया पंजाब के बीच वो किवें आया और पंजाब के बीच रहना किन्ना कि पसंद आ और पंजाब के लोगों के नाल रहना किन्ना कि वधिया लगता तुम्हें? यार मैं तो बहुत चंगा लगता है यार, मैं भी पंजाबी हाँ, तुम पंजाबी पूरा पंजाब और एक इतने पंजाब एक इस तरह का स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है यार. तालियां तो मारो. ये मेरा प्यार बहुत है पंजाब नाल, ते खड़ौने ते मक्की दी रोटी ते सरों का साग ते उदे उत्ते मतलब कि सफेद मक्खन आए आए लेकिन उन सीजन नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल खिलावाऊँ सब लोग. वो मेरा छोटा भरा है करण, इन्हू तो बहुत पसंद होता है पंजाबी खाना, तो मैं पंजाब नाल बहुत प्यार है और इन्ना प्यार मैं मिलता है मैं शुक्रगुजार हूँ. Hi Sanju sir, hi Ranbir, hi Vani, hi Karan sir. My name is Prachi. I'm from Punjabi Mania. How are you guys? कैसे हो सारे? चंगे बस. चंगे. कैसे लगता है पंजाब आके, especially चंडीगढ़ आके? बहुत बढ़िया. भूख लगती है. Alright, so Ranbir and Sanju sir and Vani, तुसी बहुत सोने लग रहे हो frame च. But Ranbir and Sanju sir, I mean, seeing you after 4 years, so एक तरीके से शमशेरा तो हम reminisce कर रहे हैं, but संजू वाला फीवर अब एग्जैक्टली मेरे को लगता है अब ज्यादा बाहर आ रहा है क्योंकि आफ्टर योर मिनट्स एन आइकॉनिक रिलीज आफ्टर 4 इयर्स हम इमेजिन करते थे दोनों को, पर अब दोनों को इकट्ठे देख के आई गेस वो दोनों चीजें डाइजेस्ट सी नहीं हो रही है. बट रणबीर कमिंग टू शमशेरा,
I guess after 4 years, seeing you in a look, which is, I mean, phenomenal for the first, I mean, we should clap for Ranbir, ki phenomenal thi, I mean, gave us goosebumps for a second. But aapne meko lagta, after long, and in your career, this is a very different role, with a very different look. Pehle aapki look dekhe lagta hai ki there is something very bold and very aggressive coming up. But there are flavors, I guess, Karan sir, flavors of his role. So Ranbir, personally, if we have to, you know, judge your role in a nutshell, so what is your character in this film? Because we are spicy bhi dekh rahe hain, kahin saar bhi dekh rahe hain. What is it exactly? Well, thank you. Aapne bahut sare compliments diye ek hi line mein mujhe. To uske liye bahut dhanyawad. Ji, main Shamshera mein do kirdar nibha raha hu. Ek hai Balli, jo hai beta, aur ek hai Shamshera, jo uska pita hai. शमशेरा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनजाति के लिए एक शक्ति, एक ताकत बन जाता है. और उसका नाम सिर्फ उसका नाम नहीं रहता, वो एक सोच, वो एक अभियान बन जाता है. और उस अभियान को किसी भी कीमत में पाना शमशेरा की कहानी है. अभी शमशेरा कौन है, अगर बल्ली शमशेरा बनेगा नहीं बनेगा, ये आपको फिल्म में ही देखना पड़ेगा. थैंक यू. रणवीर, जैसे आप गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड. हाय गौरव. हाय वानी. हाय, हेलो संजय सर. करण सर, मेरा आपके लिए एक सवाल है इस फिल्म से रिलेटेड. शमशेरा का जब शमशेरा जब लिखी जा रही थी, जब इसकी कास्टिंग हो रही थी, तो कितना टफ था, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक फ्रेम में लाना और शूट करना. कास्ट करना किस्मत की बात होती है. फॉर्चुनेटली ये जो एक्टर्स बैठे हैं, इनको रिटन मैटर पसंद आया, तो दे अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. लेकिन उसके बाद होता ही है कि ये इतने कमिटेड और इतने प्रोफेशनल एक्टर्स हैं कि एक बार रिटन मैटर को जब हाँ करते हैं तो इनको इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दे आर देन ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड द फाइनल ऑफ द फिल्म एंड द फाइनल प्रोडक्ट टू बी ग्लोरियस. तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक दिन भी ऐसा था कि इनको जमा करना या इनको समझाना या इनको साथ में लाना मुश्किल था. बिल्कुल नहीं, बहुत कमिटेड हैं. फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिल्म को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं. सो किसी डायरेक्टर के लिए उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. थैंक यू. सत श्री अकाल सर. संजू सर, मेरा सवाल तो इधर लेफ्ट साइड थे. हाँ, मैं हाथ खड़ा किया राइट थे, सॉरी इधर. हाँ, मैं खड़ा ही हो गया. सवाल कर लो. अच्छा सर, तुम इस फिल्म से भी नैगेटिव किरदार करते पे हो, वैसे कांचा और अधीरा ये भी नैगेटिव सी, तो थोड़ी पर्सनल जिंदगी से कोई फर्क पैदा है या मेंटल से फर्क पैदा जो तुम कि नेगेटिव किरदार करते हो सेट के होंगे हो, उन चीज़ों का थोड़ी पर्सनल लाइफ से इफेक्ट पैदा हो? यार रियल लाइफ से मैं नेगेटिव बंदा है ही नहीं, मैं काफ़ी पॉजिटिव हाँ. जेल भी जाके मैं पॉजिटिव ही रहा. ठीक है, नेगेटिव रोल करन दा बहुत मज़ा आता है यार, काफ़ी शेड्स होते ने, मज़ा आता है. लेकिन जदों मेरा डायरेक्टर पैकअप कहता है, मैं शूदर सिंह नू या कांचे नू मैं उत्ते सेट दे उत्ते छड़ के मैं घर चले जाऊँ, तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕਾਣਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ. ਕਰਨ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RRR ਅਤੇ KGF ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ. ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ. ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ. ਨਵਜੋਤ ਔਨ ਏਅਰ ਤੋਂ. ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ. ਪਰ ਸਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ कह सकते हैं कि कांचा बड़ा सोना कैरेक्टर सी, बस ऐ सिर्फ पंजाबी कह सकते हैं बस. रणवीर भाई जी, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਦਿਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ, 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਕੇ ਰੋਲਸ ਮੈਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इस किस्म की फिल्म करूं, अपने आप को बदलूं, ताकि ऑडियंस मेरे से बोर ना हो जाए, मैं खुद से बोर ना हो जाऊं.
तो ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही नई एक्सपीरियंस रहा है. दो किरदार प्ले करने का मौका मिला और ऐसे किरदार जो आसानी से नहीं आते. बहुत एंग्स्ट था इनमें, बहुत एंगर था, बहुत एक्शन भी था. सब करने में मज़ा आया, मुश्किल था, बट जब अब बड़े पर्दे पर मैं देखता हूँ तो फिर एक जानकारी हासिल हुई है कि अगर आपको ऐसे लार्जर देन लाइफ फिल्में करनी है तो ऐसी तकलीफें और मुसीबत करना पड़ेगा शूटिंग के दौरान, तब जाके यू नो ये ऐसा काम रंग लाता है. तो मज़ेदार नहीं था, बहुत तकलीफें थी, लेकिन देखने में मज़ा आता है. नहीं जी, बिल्कुल करूँगा. ऐसे नहीं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, वो भी करूँगा. लेकिन जैसे मैंने कहा था, ये मेरा एक्टर एज एन एक्टर, इट्स माय ड्यूटी टू माय ऑडियंस कि मैं यू नो अपने आप को बदलते जाऊँ, उनको कुछ नया दूँ और उनको सरप्राइज करते जाऊँ. थैंक यू. संजय दत्त जी, हरप्रीत सिंह जसवाल जी, ANI तो. सर मैं पूछना चाहना कि जिस तरह हम पहला फिल्मां पंजाबी गल कर लिए, सर पंजाबी गल कर लिए, सर जिस तरह पहला फिल्म आती है कि छोटी जी एड लगती सी अखबार के पिछे फिल्म आ रही है, हुण तुसीं लगातार सारी जगह पर जाके तुहानूं खुद प्रमोशन करनी पै रही है, किन्ना कु फर्क महसूस कर रहे हो, इस दे नाल की बैटलमेंट हुंदी है? भाजी मैं मेरी पहली पिक्चर आई सी 1981 ते उत्ते प्रमोशन की लोड़ ही नहीं पैंदी सी. हुण थोड़े जिहा मैनू स्यापा लगता है लेकिन करना पैगा. हुण प्रमोशन बहुत इंपोर्टेंट हो गया ते असीं करना ही पड़ेगा. तो इट्स गुड फॉर द फिल्म आई थिंक. अब तुसी टेक ओवर कर लो पाजी. देखी की कहां, मतलब होंदा सी पहला पिक्चर आंदी सी ते तुसी जाके सिर्फ एक्टर नु वेखण वास्ते चले जांदे सी. अजकल इना मटेरियल हो गया है, इन्नी ऑफरिंग्स हो गई है, OTT आ गया है और पिक्चर आ गई है कि हुण सानू कोशिश करनी पड़ती है कि तुहानू चुक्कां उस सीट तो और जाके थिएटर च रखा ताकि जाके तुसी अपनी पिक्चर देखो. ते मेहनत बढ़ गई है, बट ठीक है, इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन. संजय सर सत श्रीकाल जी, इधर 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 मैं. हाँ जी सत श्रीकाल. सत श्रीकाल सर. जदों तुसीं टर्बन बंटाए करते हो तो उस टाइम की फीलिंग होंदी है, क्योंकि थोड़ी सानू सरदार मूवी आई सी, बहुत प्यार मिला सीगा और रणबीर जी दी फिल्म आई सी कि रॉकेट. भाई असीं पग पाने आ ना ते लगदे आ कि मतलब पंजाबी मर्द हुंदा ना ओ पग पांदा, ओ फीलिंग मैनूं आई सी. ए पग मतलब इज्जत हुंदी है बंदे दी, ते पग रब होता है. पग एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो बहुत तगड़ी चीज होती है, मैं कहना चाहूँ जी. मैंने जब रॉकेट सिंह की, अफसोस वो फिल्म चली नहीं, लेकिन जी जी, लेकिन जो मेरे जब मैंने वो किरदार निभाया तो एक्चुअली वो मेरा बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है. मुझे याद है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी इतनी खुश थी कि मैं पग पहन रहा था. मैं रोज़ उनको एक फ़ोटो भेजता था सेट से और बहुत खुशी महसूस होती थी. यू नो मैं गोल्डन टेंपल भी गया अमृतसर में और मैं वहाँ मैं पग पहन के मैंने दो दिन दो रातें गुजारी. तो जो वो फीलिंग आती है, वो फीलिंग दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है. बहुत अच्छा महसूस होता है दिल में. And it was a lovely experience for me. जी मेरा कैरेक्टर सोना का बहुत अभी कम दिखाया गया है ट्रेलर में, टीजर में, और गाना एक आया है फितूर, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना रिवील नहीं किया है. पर बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है. उसकी भी एक जर्नी है, एक एवोल्यूशन है अपना फिल्म में. किस तरह वो जो रणबीर का कैरेक्टर है बल्ली, उसके साथ उसकी ताकत बनती है, कमज़ोरी बनती है, किस तरह के यू नो उतार चढ़ाव देखती है वो, किस तरह आपने ग्लैमरस रूप देखा है उसका, वो डी ग्लैम भी होती है, यू नो. सो देयर इज अ लॉट टू हर, शी इज ऑल्सो डिलीवरिंग अ बेबी एंड ऑल. So there's a lot that has not been spoken about yet, but they wanted to keep it for the film. You know, once the film comes out, they wanted us to speak about it then. But बहुत ही amazing experience रहा मेरा रणबीर के साथ and संजय सर के साथ. बहुत ही phenomenal actors हैं. तो of course I don't have to say it, needless to say, यहाँ पे सब बैठे हुए उनके fan हैं और मैं भी हूँ. और मेरी खुशकिस्मती है कि as an actor इतनी जल्दी अपने करियर में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला. बहुत टफ था एक्चुअली. ये मेरा ही आइडिया था, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी. जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने खुद करण से कहा कि क्या मैं दूसरा किरदार भी प्ले कर सकता हूँ जो शमशेरा का है. लेकिन हमने बहुत मेहनत की. एक्चुअली करण ने मुझे ऑडिशन भी किया, लुक टेस्ट किए कि
कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऑडिशंस के बाद कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने ये दोनों कैरेक्टर्स को अप्रोच किया, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। So thank you so very much guys for all the questions. It was amazing. And there's a kid आज जिन्हें हग चाहिए था, एक बार प्लीज सर, he needs a hug. So after this, आप लोग फोटो सेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं. Thank you so very much guys for coming. Thank you so much. सो फाइनली आप गलबात की रणबीर संजय दत्त वाणी और करण के नाल जाने फिल्म के बारे, एक फिल्म के उन्होंने की रिएक्शन ने ट्रेलर को देख के और किमें उन्होंने प्यार मिल रहा है। फाइनली 22 जुलाई में फिल्म रिलीज हो जाने सिनेमाघर जाके एक बार जरूर देखियो और शमशेरा प्यार दे रहे हो, और साडा चैनल भी सबसक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।